हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टू डिफरेंट टाइप की इयररिंग्स बनाएंगे जो आपकी मैचिंग ड्रेस के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप इयररिंग्स से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। इससे पहले फ्रेंड्स हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट डीआईवाई इयररिंग्स हम क्विलिंग पेपर से बनाएंगे। हमें इन क्विलिंग पेपर को फैब्रिक ग्लू से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अब हम निडल की हेल्प से इसे इस तरीके से रोल करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स बाजार में टूल भी आते हैं, बट मैं यहाँ पर किसी टूल का यूज नहीं कर रही हूँ। सिंपली हमें निडल से इस तरीके से इसे रोल कर लेना है। यहाँ पे मैंने निडल हटा दी है और हम हाथ से इसे इस तरीके से रोल बनाते जाएंगे। इस इयररिंग्स को बनाने के लिए हमें टोटल 12 से 13 क्विलिंग पेपर ही चाहिए। फैब्रिक ग्लू से इसके एंड को ज्वाइंट कर लेंगे। यहां पर इसे बनाने के लिए मैंने टोटल 8 क्विलिंग पेपर का यूज किया है। अब हम एक पेपर से छोटे रोल बना लेंगे। इस तरीके से निडल की हेल्प से पहले हम रोल को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे ताकि हम फिंगर से इजिली इसको घुमा सकें। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 4 रोल बना लिए हैं। अब हम इस पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे ताकि इस पे एक अच्छी सी शाइन आ जाए और इसके पेपर्स खुले नहीं। अब हम इस पे कलर कर लेंगे। यहां पर मैं ऑरेंज कलर कर रही हूं क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर की इयररिंग्स चाहिए। आप अपनी मैचिंग की ड्रेस के लिए इस तरीके से इयररिंग्स बना सकते हो। ये हमने कलर कर लिया है। यहां पर मेरे पास ये सिल्क थ्रेड है। चूंकि हम टेसल इयररिंग बना रहे हैं इसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके का छोटा कार्डबोर्ड यूज कर रही हूँ जिसके चारों तरफ हमें इस थ्रेड को इस तरीके से रैप कर लेना है। हमें इसे 50 टाइम्स ऐसे ही रैप कर लेना है। ये हमने थ्रेड को कट करके ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास इस टाइप की जंप बॉल है जिसे हमें थ्रेड में इस तरीके से ओपन करके इसे इस तरीके से लगा लेना है। इसे लगाते समय ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ की हमारी लेंथ इक्वल आनी चाहिए। अब हम इस पे इस तरीके से निडल इंसर्ट करेंगे और हमें इस तरीके से इस पे नॉट बना लेनी है। अब निडल को हम इस तरीके से थ्रेड के बीच में पास कराएंगे और इसे इस तरीके से टाई कर लेंगे। हमें 2 बार इसे अच्छे से टाई कर लेना है ताकि हमारा थ्रेड खुले नहीं। अब इस थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब हम नीचे से इसे इस तरीके से पकड़कर इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेंगे। ये हमने टेसल को ट्रिम कर लिया है। अब हमें इस जंप बॉल में इस रोल को लगाना है और हमें इसे इस तरीके से प्रेस कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ ये 3 टेसल रेडी कर लिए हैं। अब हमें इस बड़े वाले रोल की डेकोरेशन करनी है।
डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन बॉल चेन ली है, यहाँ पर मेरे पास ये स्टोन चेन है और इस टाइप के मिरर हैं, जिससे हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। हमें फैब्रिक ग्लू को इस तरीके से इस पे स्प्रेड कर लेना है। अब हम इस मिरर को यहाँ पर स्टिक करेंगे। इसके बाद हमें ये बॉल चेन लगानी है। एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे। हम गोल्डन बॉल चेन के दो राउंड लगाएंगे। इसी तरीके से हमें इस पे स्टोन चेन भी लगा लेना है। इन्हें लगाते समय हमें स्टोन को पास पास कर लेना है। जब हम इसे पास पास करेंगे तो ही ये अच्छे लगेंगे। यहां हमने इसे डेकोरेट कर लिया है। अब हम ग्लू की हेल्प से इन टेसल्स को भी स्टिक कर लेंगे। यहां हमने टेसल्स लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर यूं ही रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक जंप बॉल को हमें इस रोल में इस तरीके से लगा लेना है। यहां पर मेरे पास ये हुक्स हैं जिसे मैं इस जंप बॉल में इंसर्ट करूंगी और इसे हमें इस तरीके से फिंगर से प्रेस कर लेना है। यहां मेरे पास कुछ सिल्वर स्टोन्स हैं जिसे मैं इस पर लगाऊंगी। अब हम इसके थ्रेड को स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए आप इस पे आयरन भी कर सकते हो, या आप स्ट्रेटनर से भी इसके थ्रेड को स्ट्रेट कर सकते हो, या वाटर को बॉयल करके उसकी स्टीम से भी ये स्ट्रेट हो जाता है। इसके थ्रेड जो है वो खुल जाएंगे और ये स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट करने के बाद हमारे इयररिंग्स का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। अपने नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैं यहां पर सिल्क थ्रेड को इस तरीके से हमें 200 टाइम्स रैप करके ले लेना है। आप इसे रैप करने के लिए कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हो। अब हम इसे कट कर लेंगे और हमें इस तरीके से इसे इक्वल लेंथ में फोल्ड कर लेना है। यहां मैंने निडल में थ्रेड डाल के रखा है जिसे हमें इस पे इस तरीके से अपने टेसल पे इंसर्ट करना है और इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए टाई कर लेंगे। हमें अच्छे से इस पे नॉट बनानी है। अब हम इसके अपर पार्ट पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। ये हमने ग्लू लगाकर इसके थ्रेड को अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब हमें इसे अपने पाम पे रख के कुछ इस तरीके से इसके सेंटर को निकाल लेना है। ये मैंने सेंटर इसका निकाल लिया है और यहां पर मेरे पास ये पिन है जिसे मैं इस पे इंसर्ट कराऊंगी। इस तरीके से हमें पिन को निकाल लेना है। इस तरीके से हमें पिन से इसे पास कराना है। हमें इसे टाइटली इसमें अच्छे से फंसा लेना है और एक्स्ट्रा पिन को हम सीजर से कट कर लेंगे। अब हम प्लायर से इसे इस तरीके से बेंड कर लेंगे। हमें थोड़ा सा ही बेंड करना है और यहां मेरे पास ये हुक है जिसे मैं इसमें लगा लूंगी। अब हम प्लायर से इसे प्रेस कर देंगे। ये हमने हुक अच्छे से लगा लिया है, बट अभी हमें इसके थ्रेड को स्ट्रेट करना है। इसके लिए आप इस पे आयरन भी कर सकते हो, स्ट्रेटनर का भी यूज कर सकते हो, या सिंपली आप वाटर को बॉयल करके और इसे स्टीम दिखा के स्ट्रेट कर सकते हो। मैं इसे स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने इसके टेसल्स को स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। हमें इसे फिंगर्स पे कुछ इस तरीके से रखकर इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेना है। इसी तरीके से हमारा ये पेयर रेडी है। फ्रेंड्स, हमारे दोनों इयररिंग्स का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। होप फ्रेंड्स ये डीआईवाई आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।